हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फैन मंगा का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोनुला और OG73 के बारे में, जो कि आ जाते हैं अर्थ पर गोकू और वेजिटा के सामने। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये वाली फैन मांगा की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है ओरिजिनल वन से। ओरिजिनल वन का जो चैप्टर है वो आपने देख लिया होगा, तो देखते हैं कि उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइस, ये फैन मांगा स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ग्रोनुला जो की कम्युनिकेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड ओटमील से। ओटमील बोलता है ग्रोनुला को कि डेटा बता रहा है वो अंदर है और वो वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए था। ग्रोनुला बोलता है परफेक्ट, तो ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। अगर ये हमारे काम का निकला तो कोई भी हम दोनों को नहीं रोक पाएगा, हम अपने गोल्स को बहुत ही आराम से अचीव कर लेंगे। गाइस, ओटमील बोलता है ध्यान से ग्रोनुला, मुझे तुम्हारे आसपास की के सिग्नल मिल रहे हैं। ग्रोनुला बोलता है अच्छा, तो इन सब ने OG73 के क्लोन्स बनाए हैं, क्या इन क्लोन्स के पास भी उसकी पावर और एबिलिटीज है या फिर ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। ओटमील बोलता है हाँ, ये ओरिजिनल वाले के क्लोन है पर ये वो नहीं है जैसा कि हमें चाहिए, असली वाले को लो और वहाँ से निकलो। ग्रोनुला बोलता है ओटमील को तो फिर मैं एक एक करके इन सबको खत्म कर देता हूँ, अगर ये वो नहीं है जो कि हमें चाहिए तो ये सारे के सारे बेकार है हमारे लिए, तुम मेरा वेट करो ओटमील, मैं रिकवरी चैम्बर की तरफ आता हूँ। ओटमील बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो लो, एडिशनल डेटा भी लो और शिप की तरफ वापस जाओ, वहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। ग्रोनुला बोलता है तुम सब क्लोन्स को क्या लगता है तुम मुझे OG73 ले जाने से रोक पाओगे, एक बार फिर से सोच लो। फिर गाइस ग्रोनुला निकालता है अपनी गन और वहाँ पर जो क्लोन्स होते हैं उन पर फायर करता है और OG79 को मार देता है। गाइस, यहाँ पर जो स्टोरी है फैन मांगा की वो रियल मांगा से अलग है। फैन मांगा में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रोनुला है उसके पास गन है, पर रियल मांगा में हम लोग ने देखा था कि उसकी जो फिंगर्स है उसने अपनी फिंगर्स में से शूट किया था और OG सोल्जर्स को मार दिया था, पर यहाँ पर उसने जो है अपनी गन का यूज किया है। गाइस, जो ग्रोनुला है वो ढूंढ लेता है OG73 को और बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि हमें चाहिए इसलिए हम तुम्हें ले जाने आए हैं, तुम पूरी तरह से हील हो जाओगे, हम तुम्हारा यूज करेंगे और तुम्हें वापस से अर्थ की तरफ लेके जाएंगे, वहां पर हमें अपना अधूरा काम फिनिश करना है कुछ वॉरियर्स के। फिर गाइस ओटमील बोलता है हमें टारगेट मिल गया, अब शिप की तरफ वापस जाओ। फिर गाइस होता है सीन चेंज और हमें दिखाया जाता है अर्थ जहां पर होते हैं गोकू और वेजिटा। गोकू बोलता है वेजिटा को काफी टाइम हो गया हम दोनों को ट्रेनिंग किए हुए, जिस तरह से तुमने मोरो से फाइट किया मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। वेजिटा बोलता है गोकू को मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, मेरे को पता है तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मैं देखना चाहता हूँ तू क्या क्या कर सकता है। फिर गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को अरे यार क्यों ना हम दोनों पहले टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर ले, फिर हम दोनों ब्रोली से मिलने जाए और वहाँ पे जाके देखें कि वो क्या कर रहा है, काफी टाइम हो गया हमें उससे मिले हुए, मुझे लगता है कि वो भी वांपा पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। वेजिटा बोलता है हम उधर बाद में जाएंगे लेकिन पहले मेरे को ये बता तेरी UI कहाँ पर है, जब हम दोनों फाइट करेंगे बैटल में तो मैं उसका हाईएस्ट लेवल देखना चाहता हूँ। गोकू बोलता है अरे यार मेरे को लगता है मैं UI में टैप इन नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बॉडी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन गाइस वेजिटा हो जाता है गुस्सा और बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है तू कर सकता है, तूने मोरो के अगेंस्ट भी उसको बहुत बार यूज किया था। फिर गाइस वेजिटा बोलता है तू हमारी फाइट में उसको जरूर यूज करेगा, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या खास है उसमें जो कि उसको मास्टर करने में इतना ज्यादा टाइम लगा। गोकू बोलता है अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, ठीक है मैं तुम्हें UI दिखाऊंगा जब हम दोनों अंदर जाएंगे। वेजिटा बोलता है हाँ तेरे को यूज करना भी होगा क्योंकि जब मैं तेरे को हराऊंगा मुझे भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जब तू उसको यूज करेगा मैं तेरे को जब भी तोड़ फोड़ के रख दूंगा, मैं कोई मोरो नहीं हूं, जो भी पावर तू मेरे को दिखाएगा मैं उसको काउंटर करूंगा अपने तरीके से जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं। गाइस वेजिटा पूछता है डेंडे से हमारे पास कितना टाइम है अंदर, तो डेंडे बोलता है तुम दोनों के पास 1 घंटा है और बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को। गाइस वेजिटा बोलता है गोकू को तेरे को UI की नीड जब पड़ेगी जब मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा अंदर कैकरोट, और मेरे को मत बोलना कि मैं तेरे को वार्न नहीं किया। गोकू बोलता है चलो ठीक है हम लोग देखेंगे अंदर। देन गाइस जैसे ही वो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जा रहे होते हैं उन दोनों को दो की सेंस होती है। देन गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को वेजिटा तूने ये सेंस किया, कोई ना कोई तो यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ नहीं रहा, वो यहाँ पर पहुंच भी चुका है और ये जो की है ये बहुत ज्यादा हैवी है। देन गाइस वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन दोनों को दिखती है एक शिप। देन गोकू बोलता है कि ये तो एक शिप है और मेरे को दो की सेंस हो रही है, तेरे को क्या लगता है वेजिटा इस शिप में जो है एनिमी है? वेजिटा बोलता है ये गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप नहीं है, मीरस को छोड़ के किसी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं उस शिप में से क्या बाहर आता है कैकरोट। देन गाइस गोकू बोलता है कि जैसा इस शिप का डिजाइन है ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। वेजिटा बोलता है अभी डिजाइन की चिंता कौन करता है, उन दोनों की चिंता कर जो कि उसके अंदर है। वो बोलता है डेंडे को तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी बाद में जरूरत पड़ सकती है। डेंडे बोलता है ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा और तुम दोनों अपना ख्याल रखो। देन गाइस शिप में से बाहर आता है ग्रोनुला जो कि बोलता है ओटमील को, ओटमील क्या ये दोनों वही है? स्कैनर डाटा और पावर लेवल के हिसाब से तो यही पता पड़ता है कि ये दोनों वही है। ओटमील स्कैन करता है और बोलता है कि ये वही है। गाइस ये वाले चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो यहीं पर आके खत्म हो जाता है। जो ग्रोनुला है वो आ चुका है गोकू और वेजिटा के सामने। गोकू और वेजिटा ने देख लिया है ग्रोनुला को पर उन दोनों को दो की महसूस हुई थी, मतलब अभी OG73 भी है वहाँ। गाइस अगले पार्ट में ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोनुला क्यों लेके आया है OG73 को अर्थ पे। गाइस यही था आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।